प्रियंका गांधी यूपी चुनावों में अपना एजेंडा लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। वो रोजाना आम लोगों से मुखातिब हो रही हैं, कभी पदयात्रा के जरिए तो कभी अलग अलग समूहों से मिलकर। आमजन भी उनसे मिलने और अपनी मांग व समस्याओं को उन तक पहुंचाने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जब से महिलाओं को टारगेट कर अपनी टिकट बांटने की पॉलिसी और मैनिफेस्टो का ऐलान किया है, तब से यूपी की महिलाओं में उनके प्रति एक लगाव नजर आ रहा है। आज शाहजहांपुर की आशा कर्मचारियों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उनके सामने अपनी मांगे रखी। यूपी में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी व आशा कर्मचारियों का मानदेय 10,000 रुपए महीना करने का ऐलान बुधवार को ही प्रियंका ने किया है, जिसके बाद आशा कर्मचारियों को एक उम्मीद जगी है और वे अपनी मांगों को लेकर प्रियंका से मिलने पहुँच गयी। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में पुलिस ने आशा कर्मचारियों पर बल प्रयोग किया था। वो सभी अपनी मांगों को लेकर मंत्री से मिलना चाहती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अब परेशानी में घिरी आशा कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उनके सामने अपनी मांगे रखी हैं। प्रियंका आज लखनऊ में पदयात्रा भी करने वाली थी, लेकिन प्रशासन से परमिशन नहीं मिलने पर उन्हें ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। ये पदयात्रा लखनऊ में चौक क्षेत्र की बड़ी काली जी के मंदिर से शुरू होती और दरगाह हजरत अब्बास पर खत्म होती, जिसके जरिए कांग्रेस नफरती माहौल में भाईचारे का संदेश देती। बहरहाल, प्रियंका गांधी हर दिन अपने कैंपेन को नई धार देने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना होगा कि वो कितनी कामयाब होती हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।